वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वाओ का हेयर मास्क, उसका रिव्यू, उसका प्राइस, उसके बारे में सब कुछ। तो अगर आपने मेरे लास्ट दो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर टोटल हेयर केयर को आप फॉलो करना चाहते हैं, ब्रांड कोई भी हो, प्रोडक्ट्स आप फॉलो करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वन बाय वन वो वीडियो पहले देख ले, फिर इस वीडियो में वापस आए, और उससे भी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है वाओ का हेयर केयर मास्क। हेयर मास्क, नो पैराबेंस, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल एंड नो सिलिकॉन। ये एप्पल सीडर विनेगर मास्क है। जैसे कि मैंने बताया, मैंने शैम्पू लिया है एप्पल सीडर विनेगर का, वो भी आप देख पाएंगे मेरे वीडियो में, लास्ट वीडियो में, जो कि हेयर केयर का फर्स्ट वीडियो था। तो ये उसके साथ ये मैच किया हुआ एक हेयर केयर मास्क है। तो इसको लगाने का एक अलग सा तरीका है, जो कि अलग सारे मास्क से बहुत ही अलग है, सब कुछ ही अलग अलग है। तो ये मास्क मुझे इसलिए ज्यादा पसंद है कि इसको लगाने में टाइम ज्यादा नहीं लगता है, 10-15 मिनट चाहिए आपको, वो भी बिना कोई झंझट के, कि आपको एक एक सेक्शन लेके ऐसे ऐसे करके मास्क को लगा के फिर मसाज करके फिर आप इसको स्टीम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए, फिर बैठे रहो 30 मिनट तक, 40 मिनट तक, उसके बाद वॉश करो, इन सब का कोई झंझट ही नहीं रहा है। तो इसके बारे में मैं बता दूंगी आप लोगों को कि इसको यूज कैसे करना है। तो उससे पहले इसका MRP है 499 रुपीस। ये भी मैंने Flipkart से लिया है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो इसका पैकेजिंग मैं पहले दिखाती हूँ, ये है, और ये बहुत ही सुंदर है क्योंकि इसका कैप बहुत बड़ा है, ये एकदम कवर करके रहता है। ये है इसका, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है, देख पा रहे हैं आप, एकदम सेफ्टी से लॉक किया हुआ है, स्मेल बहुत ही अच्छा है। तो कल मैं लगाने वाली हूँ, थोड़ा सा लगा ही लेती हूँ, हाथ में लग गया है। तो ये जो है, इसको लगाने का जो सिस्टम है, आप पहले एप्पल सीडर विनेगर से अपने हेयर को वॉश कर लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा जो वाटर है हेयर में उसको ऐसे करके उसको निकाल दिया, फिर ये मास्क को आप थोड़ा सा हाथ में लेके, थोड़ा नहीं जितना चाहिए उतना, ऐसे ऑयल की तरह, ऐसे सीरम की तरह, ऑयल की तरह ऐसे ऐसे करके लगा दिया। अगर आपको अपसाइड डाउन करके हेयर वॉश करने का हैबिट है तो और भी आपको इजी होगा, क्योंकि सारा हेयर आपका सामने ही आ जाएगा। फिर ऐसे लगा के आप उसको कंघी भी कर सकते हैं, कॉम कर सकते हैं, नहीं भी कॉम कर सकते हैं, फिंगर से ऐसे आप ठीक कर सकते हैं, सारा मास्क ठीक से अपने हेयर में लगा सकते हैं। फिर लगाने के बाद, वेट हेयर में लगाने के बाद आप 10-15 मिनट वेट कीजिए, कोई झंझट नहीं है मसाज करने का या और कुछ। वेट करने के बाद आप एकदम पहले वार्म वाटर से उसको वॉश कीजिए, फिर उसका सॉफ्टनेस लॉक करने के लिए उसको कोल्ड वाटर से वॉश कीजिए। आपका हेयर मास्क लगाना, दैट इज आपका हेयर स्पा कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टीम लेना चाहते हैं, तो आप एक हॉट टॉवल से अपने हेयर को रैप करके 10-15 मिनट रख सकते हैं, जब तक कि आप ये हेयर मास्क अपने हेयर पे रख रहे हैं। तो इसका झंझट बहुत ही कम है, ये मुझे इसका एक पॉजिटिव साइड लगा, और ये पैराबेन फ्री है, और ये हेल्प्स टू प्रिवेंट डैंड्रफ एंड इचिनेस, जो कि मुझे चाहिए था। ये ऑयली स्कैल्प को ये रिड्यूस करता है, शाइन बढ़ाता है, वॉल्यूम बढ़ाता है। तो इसमें सारा वो फीचर्स है जो हर किसी को चाहिए होता है, इसीलिए मुझे ये मास्क बहुत पसंद आया है, आप ये मास्क यूज कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का रिव्यू। तो बाकी वीडियो को देखने के लिए, बाकी हेयर केयर प्रोडक्ट्स को देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए वेरी गुड बाय।